So students, we will teach lesson number second, our life support. So students, आज हम इस lesson में देखेंगे जो हमारी earth है, earth में air का जो pressure होता है और उसके कुछ stage होते हैं जिसमें air present होती है, okay? तो उस stage को क्या कहते हैं? उसके बारे में जानकारी लेंगे. तो चलिए देखते हैं. So students, firstly open your science textbooks on पेज नंबर 131. देर आर सेकंड नंबर लेसन अवर लाइफ सपोर्ट्स. यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं. ये जो है वर्ड्स है आपको राइट डाउन करनी है साइंस के नोटबुक में. वी नो दैट द एयर इज ऑल अराउंड अस. आप सभी को पता है हमारे आजू बाजू में क्या है, हवा है, एयर है. विदाउट एयर लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ. विदाउट एयर यानी हवा के बिना जो है हम जीवित नहीं रह सकते. द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अर्थ इज कॉल्ड द एटमोस्फियर. और हमारे आजू बाजू में जो है यानी हमारे पृथ्वी के आजू बाजू में जो एयर का लेयर है, ब्लैंकेट है, उसे कहते हैं एटमोस्फियर यानी जो है कि हवामान. एयर इज एन मिक्सचर ऑफ ए गैस. एयर में बहुत सारी तरह की गैस होती है, उसका एक मिक्सचर होता है. इट ऑक्यूपाइज द स्पेस. एयर इज ए वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द अदर लिविंग बींग. और एयर क्या करती है, जगह व्यापती है वो, ठीक है, जगह लेती है, खुद की स्पेस लेती है. और एयर हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिवन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. लाइटिंग ऑफ ए फायर ऑल्सो रिक्वायर्स ऑक्सीजन. ह्यूमन क्या करता है, हवा में से एयर में से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लीव कर देते हैं. एनिमल को भी एयर की जरूरत होती है. और जो है कि फायर यानी आग जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है. प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, ऑक्सीजन लीव कर देता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं अर्थ का पिक्चर दिया गया है. लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर. एटमोस्फियर के लेयर्स कौन से है. फर्स्ट है द एटमोस्फियर ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इंटू वेरियस लेयर. ट्रोपोस्पियर्स, ट्रेस्टोस्पियर्स, ionospheres एंड exosphere. फर्स्ट है ट्रोपोस्पियर्स किसे कहते हैं, जो फर्स्ट लेयर्स होता है, ठीक है. इट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर. वी ऑल लिव इन दिस लेयर. मोस्ट ऑफ द वेदर चेंजेस ऑकर इन दिस लेयर. देखिए यार, फर्स्ट दिया है ट्रोपोस्पियर्स, ये जो है अर्थ के पहला ही लेयर है अर्थ के आजू बाजू में जहाँ पे हम है. ये ट्रोपोस्फेयर में हम आते हैं, ठीक है. एनिमल्स, लिविंग बींग्स, सभी जो जीवित प्राणी है सभी ट्रोपोस्फेयर्स में आते हैं. वहाँ पे हवा अच्छी रहती है, ऑक्सीजन अच्छा रहता है. देन है स्ट्रेटोस्फीयर्स. इट लाइज अबव द ट्रेटोस्फीयर. इन दिस लेयर एयर इज अ वेरी थीन. ओजोन लेयर ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस स्ट्रेटोस्फीयर्स. तो इसमें क्या होता है, अगर आप आगे जाओगे, थोड़ा ऊपर जाओगे पृथ्वी से, तो यहाँ पे हवा जो है थीन दिखाई देगी हमें, ठीक है. और यहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है. देन है ionospheres. अबव स्ट्रेटोस्फीयर्स एंड ionospheres लाइज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ए ट्रांसमिशन ऑफ ए रेडियोज वे. यहाँ पे जो ionospheres में क्या होते हैं, सैटेलाइट रहते हैं, रेडियोज वे रहती है, मोबाइल्स की वेव. इसे क्या बोलती है, मदद मिलती है. यहाँ पे एयर और कम रहती है. जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर जाओगे तो एयर जो है यहाँ पे कम रहती है. यहाँ पे जो है सैटेलाइट हमें यहाँ पे दिख रहा है एक्सोस्फीयर में, यहाँ जो रहती है रेडियोज की वेव्स जो रहती है, हवा थोड़ी रहती है या अच्छा ज़्यादा रहती है हवा, या फिर थीन हो जाती है, या फिर थीन या थीन, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा थीन हो जाती है, ओके. सो स्टूडेंट्स, आपको ये डायग्राम नोटबुक में ड्रॉ करनी है, उसको लेबल करना है. देन दिया है एक्सोस्फीयर. इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर. ही इज इन एयर गेट्स थिनर एंड थिनर. जो एक्सोस्फीयर है उसमें जैसे हम आगे आगे जाते हैं तो हवा जो है थिनर हो जाती है, पतली हो जाती है. हवा का जो प्रमाण है, एयर का प्रमाण कम हो जाता है. देन है कम्पोजिशन ऑफ एयर. एयर का कम्पोजिशन, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ ए सेवरल गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अदर गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर. एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, और अदर गैस भी होते हैं. द परसेंटेज ऑफ ए नाइट्रोजन इज अबाउट 78% है. ऑक्सीजन इज अबाउट 21% ऑफ द एयर. नाइट्रोजन सबसे ज्यादा एयर में प्रेजेंट होता है, 78% होता है, और ऑक्सीजन 21% होता है. द परसेंटेज ऑफ द अदर गैसेज इज ओनली 1%, और बाकी गैस 1% ही होते हैं. द परसेंटेज ऑफ ए डस्ट, स्मोक्स एंड वाटर इन एयर में वेरी अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट. ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर आवर रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेशन श्वासोच्छ्वास करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है. अवर ब्लड टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ इन. द ब्लड ड्यूरिंग इन सर्कुलेशन डिस्ट्रीब्यूट्स द ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो जब हम इनहेल करते हैं, हवा अंदर लेते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है.
फिर बाद में क्या होता है कि वो ब्लड जो सभी बॉडी के पार्ट्स को उसे प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन को. हियर इट्स बर्न्स द फूड दैट वी ईट एंड रिलीज एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड. उससे क्या होता है, हमारे फूड जो बर्न हो जाता है हमें उससे एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है. द एनर्जी दस द प्रोड्यूस इट यूज अप फॉर द परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ए लाइफ फाइल. कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल एज अ वेस्ट अलॉन्ग विद द एक्सहेल एयर. फिर बाद में क्या होता है, हम एक्सहेल में उसे बाहर छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ इस जो है 78% हवा में हमें दिख रहा है, 78% नाइट्रोजन है, 1% अदर गैस है और 21% ऑक्सीजन होती है. डायग्राम भी आपको ड्रॉ करनी है. ओके नेक्स्ट है, बट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम. द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर इज यूज अप बाय द ग्रीन प्लांट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ देयर फूड. पर हमने जब इनहेल करते हैं ऑक्सीजन बाहर निकाला, क्योंकि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं. जो बाहर निकाला हो कार्बन डाइऑक्साइड हो वो जो क्या करते हैं प्लांट अंदर उनके पास लेते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, बिकॉज उनको खुद का खाना बना लेके और हमारे लिए खाना बनाने के लिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होना महत्वपूर्ण होता है. इसलिए हमने छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं कौन, प्लांट्स. ओके, ड्यूरिंग देयर फूड मेकिंग प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स टेक अप ए कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ देयर एयर एंड गिव आउट ऑक्सीजन मेकिंग एयर फ्रेश. तो जो है कि जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं प्लांट्स और ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं. फिर हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं. इसलिए हम जो ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट के ऊपर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड्स है. ऑल लिविंग बीइंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज दिस फ्रेश एयर इज इन रेस्पिरेशन. द पिक्चर्स गिवन बिलो शोज द एक्सचेंज ऑफ ए गैसेज बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स. यहाँ पे हम दिख रहे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया है फिर प्लांट ने लिया, फिर वहाँ उसने ऑक्सीजन छोड़ दिया, फिर एनिमल लिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, प्लांट ने लिया. क्योंकि इसी में क्या होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाती है, खुद का खाना बनाते हैं ये पेड़. ओके, विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड के बिना नहीं बना सकते. डायग्राम भी आपको ड्रॉ करनी है. दिस प्रोसेस ऑफ ए कीपिंग अ बैलेंस बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इन द एयर इज टर्म्ड ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल. तो इसी की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का क्या होता है, बैलेंस रहता है. द नाइट्रोजन ऑफ एयर इज ऑल्सो यूजफुल टू अस, इट इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ ए प्लांट. नाइट्रोजन मेक इट्स अवेलेबल टू प्लांट फ्रॉम द सॉइल. और जो प्लांट्स होते हैं उनके ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन ए जो गैस होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है. एनिमल्स टेक इन नाइट्रोजन फ्रॉम ए प्लांट एंड फिश. जो एनिमल को नाइट्रोजन चाहिए तो प्लांट से या फिश से वो उनको मिलता है. नेक्स्ट है मॉइस्चर. वाटर वेपर इन एयर कम्स फ्रॉम द evaporations of a different source of water in the surface of earth such as sea, pond, lake, etc. The amount of water vapor in air is called humidity. जो water की vapors होती है, बाफ होती है, बाष्प होता है पानी का, वो जब air में present होता है उसे कहते हैं humidity. When there is a more water vapor, air is said to be humid. In high humidity, we feel sweaty and uncomfortable. अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी रही, वहाँ पे ह्यूमिड हवा रही, तो हम स्वीटी हमें पसीना आता है, अनकम्फर्टेबल फील करते हम. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, एयर टेक्स अप स्पेस. तो देखिए उसकी कुछ विशेषता है एयर की. तो एयर क्या लेती है, जगह खुद की लेती है. यहाँ पे डू योर सेल्फ कहा गया है, ये आपको प्रयोग करके देखना है घर पे. टेक अ ग्लास ट्यूब, फिल इन द वाटर डीप इन टू द एन एम्प्टी ग्लास बॉटल अपसाइड डाउन. डज वाटर एंटर द एम्प्टी बॉटल, इफ नॉट वाई. Now, till the bottle, what happened? Don't you see air bubbles coming out of the glass bottle? Does the water not begin to enter it? तो देखिए, जब अगर आपको पानी लेना है, आपने पानी में डायरेक्टली बॉटल इस तरह से डुबाना है तो नहीं डूबेगी. फिर उसको एक साइड में बैलेंस करना है तो वहाँ से वाटर के बबल्स हमें निकल के दिखेंगे और पानी इसके अंदर जाएगा. यानी यहाँ पे क्या प्रेजेंट थी, एयर थी. एयर जैसे बाहर चलेगी वाटर अंदर चला गया. द एम्प्टी बॉटल कंटेन एयर इन इट सो वाटर कुड नॉट एंटर इन इट, बट वेन यू टिल्ट It inside came out it and water began to enter it. Thus all empty vessels contain air. इसलिए कोई भी empty vessels रहेगा उसमें क्या होती है, air present होती है. In fact, we all live an ocean of air. We cannot see air, but we can feel it when it begins to blow. Can you explain any other properties of air? तो अगर आप जाओगे कहीं समंदर किनारे तो हम एयर को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. वहाँ पे बहुत जोर से एयर चलती है, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है. यहाँ पे हमें बताया गया है कि आप दूसरी प्रॉपर्टीज बता सकते हो. नेक्स्ट देखिए, एयर एक्सर्टेड प्रेशर, एयर को प्रेशर होता है.
Take a tumbler, fill it with a water to the brim. Cover it with a piece of a cupboard. Press the cardboard with your right hand up, invert and tumbler upside down. Carefully remove your hand from the cupboard. You will find that the cupboard does not fall down. Who hold up the piece of a cupboard? It is not air that is supporting the piece of a cupboard. Thus, we find air exit pressure and support the piece of a cupboard. यहाँ पे देखिए, हमें एक ग्लास लेना है, उस पर कपबोर्ड जो है कि रखना है, कार्डबोर्ड रखना है उस पर, और उसको प्रेस करना है, ठीक है, और बाद में उसको उल्टा करना है तो कार्डबोर्ड इसको चिपकेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्रेशर भरा हुआ है, और इसको जो कार्डबोर्ड को यहाँ पे उसने जो है स्टिक कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एयर एग्जिट प्रेशर्स। टेक अ ग्लास ऑफ ए बॉटल फुल ऑफ ए वाटर डीप और ट्रांसपेरेंट, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ इन इट एंड सर्व द स्ट्रॉ। हमें क्या करना है, एक ग्लास की बॉटल लेनी है, ठीक है, उसमें फुल पानी भरा हुआ ना चाहिए, और उसमें एक स्ट्रॉ हम डालेंगे। व्हाट डू यू सी, डज द वॉटर नॉट राइज अप इन द स्ट्रॉ एंड रीच यूअर माउथ अल्टीमेटली? व्हाई डज द वॉटर राइज अप इन द स्ट्रॉ? नाउ टेक अ स्ट्रॉ आउट ऑफ यूअर माउथ एंड क्लोज इट अपर एंड विद द हेल्प ऑफ यूअर फिंगर डज द वॉटर फ्लो डाउन through the lower end? If not, why? Now take your finger apart from the end of the straw and leave it open. Does the water not fall down through its lower end? And now F is why? What is the role of air in a rice fallen water in a straw? तो देखिए यहाँ पे हमें जो है उसमें straw हम पकड़ लेंगे, ठीक है, तो बाद में उस स्ट्रॉ के एक नोक पे क्या करना है, हमें हमारे फिंगर रखना है और डायरेक्ट स्ट्रॉ को बाहर निकलना है। जब फिंगर हम अप करेंगे, निकाल देंगे, तो उसमें से पानी नीचे गिरेगा स्ट्रॉ में से। ओके, यू ऑलरेडी नो दैट एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज एग्जस्ट प्रेशर ऑल्सो। नॉर्मली द प्रेशर ऑफ एयर इन साइड द आउटसाइड द स्ट्रॉ इज इक्वल, बट वेन यू सर्व द स्ट्रॉ मोस्ट ऑफ द एयर इन द स्ट्रॉ मूव्स इन टू यूअर माउथ, सो ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर इज लेफ्ट इन साइड द स्ट्रॉ। दिस मेक्स द प्रेशर इन साइड द स्ट्रॉ लेस देन द that the outside air, so outside air extremes more pressure on the water due to the which is rise up in the straw. When you remove your mouth from the straw and close it uppers and with your finger, the water does not flow down through its lower end because of the higher pressure of outside the air. तो जैसे कि अगर हम क्या करेंगे, उसको जैसे कि फुल वाटर रहेगी उसके अंदर हम स्ट्रॉ डालेंगे, तो आपको डायरेक्टली स्ट्रॉ से क्या करना है, स्ट्रॉ का जो माउथ रहेगा वो बॉटल के एंड तक हमें रखना है, फिर वहाँ हमें उससे ड्रिंक करना है वाटर, बट वाटर नहीं आएगा, फिर हमें उसको थोड़ा सा ऊपर लेना है, फिर बाद में पानी पीना है तो हमारे मुँह में वो चला जाएगा, अंदर आएगा। बट वेन यू लिफ्ट यूअर फिंगर्स फ्रॉम द अपर एंड द स्ट्रॉ, एयर इट मूव्स इन टू द स्ट्रॉ एंड देन पुश डाउन द वॉटर which the flow through it lower end, but if you are release the upper end of a straw gently, it's move into the straw slowly and the water will begin to flow down the slowly drop by drop. यहाँ पे मैंने अभी जो प्रयोग बताया था कि उसमें जो है हमने स्ट्रॉ डाला था, स्ट्रॉ के ऊपर फिर फिंगर रखा था, डायरेक्टली स्ट्रॉ बाहर निकला था, तो उसमें जैसे कि हम जो फिंगर्स को थोड़ी थोड़ी स्लोली स्लोली बाहर निकालेंगे तो उसमें से स्ट्रॉ में से थोड़ा थोड़ा पानी नीचे गिरेगा, बिकॉज वहां पे क्या था, प्रेशर था एयर का। डज यू सी इन द एयर प्रेशर हेल्प अस टू पुश डाउन द लिप ऑफ ए लिक्विड अप इन द स्ट्रॉ और ए पाइप? व्हाट आर द यूज ऑफ एयर प्रेशर? एयर प्रेशर का यूज किस तरह किया जाता है? एयर इज यूज टू इन्फ्लेट बलून, साइकिल ट्यूब्स, फुटबॉल ब्लैडर्स, स्विमिंग ट्यूब्स एंड रबर पिलोज। एयर का इस्तेमाल हम बलून्स में करते हैं, बलून फुगाते हैं ना गुब्बारे, साइकिल ट्यूब में करते हैं, फुटबॉल ब्लैडर्स में करते हैं हम, स्विमिंग ट्यूब्स में करते हैं, रबर पिलो में भी करते हैं, और रबर की अभी तकिया मिलती है, गद्दा मिलते हैं, उसमें भी हम करते हैं। All this use of air are used based on the principle that is exert pressure. When we blow air into these things, they get inflated due to the pressure of air. जब हम इसके अंदर ये जो चीजें उसके अंदर एयर डालते हैं तो वो क्या होते हैं, उनकी एयर क्या करती है, खुद की जगह वो स्पेस ले लेती है। एयर प्रेशर कैन ऑल्सो बी यूज टू मूव लिक्विड। ए पिचकारी ए
syringe, a dropper, a pin filler and a hand pump work on the principle of air pressure. Air को pressure भी होता है, जैसे हम पिचकारी, पिचकारी को क्या करते हैं, अंदर पानी खींचते फिर बाहर छोड़ देते, एयर के प्रेशर के वजह से होता है. सीरेंज, सीरेंज यानी जब भी इंजेक्शन दिया जाता है वहाँ पे भी एयर का इस्तेमाल किया जाता है. ड्रॉपलर में देखो आप, पहले ड्रॉपलर आपके घर में होगा, जब छोटे बेबी को हम क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं तो उसको पहले दबाते हैं, फिर जैसे हम उसको लीव कर देते हैं तो मेडिसिन जो है अंदर आ जाती है लिक्विड फॉर्म में. पेन फिलर भी उसी तरह होता है, हैंड पंप भी उसी तरह होता है. टेक अ पिचकारी, सिरिंज, ड्रॉपलर एंड पेन फिलर, डीप इट लोअर एंड इन वाटर एंड मूव इट से पोजिशन डाउन द प्रेशर ऑफ ए रबर फिलर. द इनसाइड एयर इज एक्सपेल इन द फॉर्म ऑफ ए बबल्स कमिंग आउट ऑफ द वाटर. नाउ पुल द पिस्टन अप और ए रिलीज द रबर फिलर. डज द वाटर राइज अप इन द पिचकारी, सिरिंज एंड ड्रॉपर? द वाटर राइज अप ड्यू टू द हायर प्रेशर ऑफ एयर आउटसाइड दैन आउट दैट ऑफ एयर इनसाइड सिरिंज और ड्रॉपर. तो अभी मैंने जो बताया आपको, क्या करना है, पानी लेना है, पानी में पिचकारी हमें पहले क्या करना है, उसे जो है उसका ड्रॉपलर जो रहेगा नीचे छोड़ना है तो हमें बबल्स दिखेंगे, यानी उसके अंदर की हवा, हवा जो बाहर निकल गई, फिर हम उसे ऊपर खींचेंगे तो उसके अंदर पानी आ जाएगा, यानी जो जहाँ पे गैप थी एयर की तो वहाँ से वो एयर निकल गई है बलून के रूप में और बाद में उसके अंदर पानी आ गया है. इसी तरह से अभी मैंने जो आपको एयर प्रेशर सिखाया है, तो स्टूडेंट्स ये जो है अवर लाइफ सपोर्ट, इसका ये फर्स्ट पार्ट है. सेकंड पार्ट जो है अगले इसमें हम जो पीरियड में टीच करेंगे स्टूडेंट्स, तो अभी तक जो है आपको मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ. जो डायग्राम बताए गए है वो डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है, ओके. देन जो है कुछ क्वेश्चन जो दूंगी तो उसके आपको आंसर्स लिखने हैं, तो उससे पहले आपको लेसन अच्छे से रीड करना है, देन आंसर्स लिख के वो मुझे सेंड करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टॉप हियर, थैंक यू.